Nice. हाँ ना, तो हम लोग दोनों अभी फिलहाल जा रहे हैं, एक कौन सा क्लब है? LIT. LIT क्लब है, वहाँ पर इनविटेशन आया था रिव्यू करने के लिए, तो वही हम लोग दोनों जा रहे हैं वहाँ पर रिव्यू कर देंगे कि कैसा है क्लब, जाने लायक है क्या नहीं है, अपने को पहुँच के ही पता चलेगा। ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे ना। अभी टाइम हो रहा है 8:51, तो हम लोग अभी फट से निकल जाते हैं, उधर पहुंच के फिर तुम लोग से बात करते हैं क्या है कैसा है जो भी है जैसा है। मास्क पहनने, वैसे तो हम लोग दोनों मतलब इतना ज्यादा क्लब जाते नहीं, हम लोग दोनों शायद से एक ही बार क्लब गए थे जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब। ओह माय गॉड डॉगी, बहुत क्यूट डॉगी, मारना नहीं चाहिए। तो हम लोग दोनों वैसे जाते नहीं है, बट हम लोग को अच्छा जगह जाने का, बहुत जगह अच्छा रहता है। मोस्टली क्लब्स में अच्छे म्यूजिक बजते नहीं है ना, बहुत कम जगह पे अच्छे म्यूजिक बजता है, बहुत कम जगह पे अच्छे डीजे आते हैं, तो वही जो भी है देखते हैं अभी जाके इधर अच्छा है क्या। सरप्राइजिंगली आज यहां पे हिप हॉप नाइट है, पकड़ लो। आने तो दो, आ जाएगा, गिरेगा देखते हैं गिरते क्या। तो ये जो मॉल है JMD कोहिनूर, उसके जस्ट बाजू में ही है। इतना शाइन क्यों कर रहा है? हाँ ना, मतलब हमेशा रेडी होके बाहर निकलते हैं, ऐसा रेडी रेडी होके। I will tell you guys about this thing when I get out of this place. All right. Remember that man smoking shisha. Okay. Keep him in your mind. मतलब कोई खाने वाली जगह से अगर हम दोनों खाके अगर टाको बेल पिकअप करने आ गए, तुम सोच लो कि वो जगह कैसा है। डिटेल में अपन घर जाके बात करते हैं, क्योंकि अभी हो रहे 10:54 और घर पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जितना तैयार हो गया हम लोग बाहर आए थे वो थोड़ा सा ऐसा मतलब ये हो गया कि फोर मतलब कितने महीने बाद, 6-7-8 महीने बाद, 7.5 महीने बाद अपन तैयार होकर बाहर आए। और उसके बाद जब ऐसा सब चीज़ होता है ना, तब मारने का मन करता है, ऐसा मारने का मन करता है किसी को भी रोड पर पकड़ के, कभी कभी तो इविल बनना होता है। हम घर आ चुके हैं, कल का व्लॉग एडिट किया, अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है। कितना कूल है ये यार, ये नहीं खोलना, ये खोलना है, ये क्या है? ये वो है, ऑर्गेनाइजर है डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। नाइस, हारमोनियम लग रहा है बट ठीक है, ये बहुत नाइस है। आज सुबह को 1:10 को उठे हम आराम से, स्टार्टिंग से होगा। आज है भाई लोग अष्टमी और घर पे बना हुआ है हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी खाऊंगा, मिर्जापुर देखूंगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। हैप्पी अष्टमी सबको, हम दोनों को भी तरफ से। ए
ऐसे नहीं करना। अरे एक्चुअली ये वो वीडियो है जो जो जय के साथ हम लोग ने शूट किया था, तो उसका उसने बिट भेजा है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सब वीडियो देख के। ऐसा थोड़ा सा ब्लश करने को हो रहा है क्योंकि इतना ज्यादा स्वीट लग रहा है हम लोग दोनों। तो आ जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, आ जाएगा उसके इंस्टाग्राम पे, आ जाएगा, तुम लोग अपडेटेड रहो। मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स टाइम दैट अभी म्यूजिक वीडियो में हम लोग दोनों को हायर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली हम लोग दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं बहुत ऐसा कम बोलता हूँ अपने बारे में या हमारे बारे में वीडियो देख के, मतलब थोड़ा सा ऐसा दिल मोमू। तो वही अभी हम लोग नहा के आएंगे, फिर मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आएगा, आज अष्टमी है तो मेरी मम्मी शायद से हम लोग दोनों का नजर उतारेगी, वही हम लोग आते हैं। आए गिरेगा तो नहीं है, उल्टा घूम के आईफिल टावर से गिरा तो फोन तोड़ी है। फिर आ जाओ मम्मी को कॉल कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ मैं कैसे दिख रही थी? मस्त दिख रही थी। अरे मैं पतली हुई कि नहीं? हुई हुई हुई। मैं देख बंद कर। हाँ अरे मैं तुझे दिख नहीं रही। हाँ मैं ना मेरे मंदिर जाके आती हूँ, बाद में तुम लोग से बात करेंगे। मिया को बाय बोल। बाय अजी। बाय डॉक्टर। ठंडी पड़ गया है दिल्ली में। हम दोनों का भी नजर उतार लिया और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा फ्रेश फील हो रहा है। माँ का प्यार हमेशा फ्रेश ही फील होता है। अभी हम लोग शेयर करते हैं हम लोग कल के क्लब का एक्सपीरियंस, क्यों हम लोग क्लब पसंद नहीं आया। तो सबसे पहली बात, तो हम लोग वो क्लब में इनवाइटेड थे बाय अ कंपनी कॉल्ड A-List। तो A-List करके कोई कंपनी है, वो लोग ने हम लोग को इनवाइट किया कि आओ रिव्यू करो। तो हम लोग गए और यहाँ से कुछ 1 घंटा दूर है ना, काफी दूर है, और हम लोग रात को गए थे। पता कि मतलब हम लोग जाते ही हम लोग ने फोन किया जो कोऑर्डिनेटर था, उसने बोला कि तुम लोग अंदर बैठो, हम लोग आते हैं, मैं आता हूँ। लोग अंदर बैठे और हम लोग वेट कर रहे और आया ही नहीं, मतलब 10-15 मिनट हो गया। और उतने में साइड में एक लड़का है जिसके बारे में मैंने तुमको बोला कि ये लड़के को दिमाग में रखना, तो वो लड़का इधर आया। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मैंने देखते देखते मैं ये देख लिया कि उसने बोला कि अरे ये लोग ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे। तो तभी मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा मूड फक्ड अप हो गया कि मतलब ये क्या, मतलब हम लोग खुद से नहीं गए वहां पर, हम लोग को इनवाइट किया गया वो हुआ। और फिर मतलब आपस में भी वेटर्स देख रहे, आपस में बात कर रहे, थोड़ा सा एकदम वियर्ड सा वाइब था उसका। तो मैंने इसको बोला कि चलो अपन ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर खाना खा के अपन निकल जाते हैं, कि मेरे को पता नहीं, क्योंकि तब तक 20-25 मिनट हो गया। तो हमने ऑर्डर किया और फिर हम लोग निकल गए। मेरा मतलब यही है कि मेरे को पता नहीं, क्योंकि इसने बोला कि वो काफी ज्यादा हाइप्ड क्लब है ऐसा दिल्ली का। मेरे हिसाब से तो उसका एक्सपीरियंस एकदम डाउन था, क्योंकि मतलब मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। मतलब शायद से पैंडेमिक है, इसके वजह से वो लोग को पता नहीं है कि क्या करने का, लोग नहीं आ रहे। और हम लोग बोला कि हम लोग को बुलाया तो और भी लोग रहेंगे वहां पर, बट क्लब पूरा ऑलमोस्ट खाली था। फिर हमने घर पे आके इसके डैडी से शेयर किया ऐसा ऐसा बात है, तो अंकल तो एकदम ज्यादा पिस्ट हो गए कि बोले कि ऐसा कैसा किया, ऐसे कैसे किया। और फिर हम लोग को भी बोले तुम लोग ऐसे अननोन कंपनी के साथ कैसे गए, क्योंकि क्या पता तुम लोगों को कि उनका इंटेंशन क्या है। कोई भी क्लब कितने भी टाइम के लिए खोल सकता है, तुम लोगों को लोग अभी जानते हैं, तुम लोगों को 90 अच्छे कमेंट्स आते हैं, बट 10 बुरे भी तो कमेंट्स आते हैं, वो 10 लोगों में से एक होता तो कोई। तो हम लोग ने तब भी जाके ये सोचा कि ओ हाँ ये तो हो ही सकता है, काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सिर्फ हम लोग भी अभी ग्रो कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं। और मैं तो हम दोनों भी मतलब ऐसा इल बिहेवियर किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब सोशल मीडिया तक ठीक है, मतलब बुला के पर्सनली करना मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। नहीं होता वर्स्ट पार्ट इसके, वो कोऑर्डिनेटर लास्ट तक नहीं आया, लास्ट तक आया ही नहीं वो। मतलब हम लोग निकल गए, घर पे आए, उसका मैसेज कुछ नहीं। मैं तुम लोगों को भी बोलूंगा कि जो भी लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, तुम ला रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि तुम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने फ्रेंड्स को दो। अगर तुम लोग उनको जानते हो, हमारे नोन में है, वाया आया है, तो ठीक है, तुम लोग किसी को तो भी ब्लेम कर सकते, क्योंकि अंकल ने यही हमको समझाया कि कल को अगर कुछ हो जाता तो हम किसको फोन करते, पुलिस वालों को भी फोन करके क्या बोलते। और दिल्ली तो मतलब ऑलरेडी एकदम अनसेफ है, कितना भी बड़ा कंपनी हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, तुम लोगों को नहीं पता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। मैं नहीं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग मेरे एक्सपीरियंस पे जज करो, हो सकता है कि वो क्लब काफी ज्यादा अच्छा होगा। अभी मैंने बुरा चीज फेस किया तो मैं तो किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि मतलब ऐसा। जो भी चीज हम लोग ने फेस किया वो मतलब एकदम वियर्ड सा था, मतलब मेरे तो जाते ही मेरे को वियर्ड वाइब आया वहां पर। यही था हम लोग क्लब का एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा चिल्ला गया। ऊपर से अंकल बोलने के बाद तो हम लोग और भी ज्यादा ये हो गए कि ओ फक,
ये तो एकदम ज्यादा सही बात है, क्योंकि अंकल आंटी वहां पर पहुंचते पहुंचते भी एक घंटा हो जाता, वो लोग बोल देते कि नहीं ये हम लोग को पता ही नहीं, ये लोग आए नहीं, हमारा क्लब तो बंद पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है, मतलब हम लोग ने सीखा तो हम लोग तुम्हारे साथ भी शेयर कर रहे कि तुम लोग भी ये सारी चीजों को लेके एकदम सेफ रहो। पर ठीक है, सब लोग एक्सपीरियंस लेके ही ग्रो करते हैं, हो सकता है कि हम लोग का एकदम ज्यादा एक्सपीरियंस ये वाला अच्छा होता बट नेक्स्ट एक्सपीरियंस हमारा बुरा होता है ना, कब एक्सपीरियंसेस कभी भी हो सकता। मतलब ये टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई कंपनी के टुवर्ड से आएगा जो ऑफिशियल कंपनी है तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं करेगा फर्स्ट इसमें। अपनी तरफ से सेफ रहो, जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब पहले से कलेक्ट करके जाओ, जो गलती हम लोग ने की अगर तुम हम लोग को देखते हो तो हमारी गलतियों से सीखो और वो गलती वापस से रिपीट मत करो। और तुम लोग भाई को तुम लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब देखते ही देखते कल मैं अपलोड कर रहा था तो मेरे को पता चला कि ये मेरा 31st व्लॉग है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो गया मेरे को डेली व्लॉग करते, फर्स्ट टाइम बहुत सारा चीज करते हुए भी डेली व्लॉग कर रहा हूँ, है ना, तो एकदम ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने आप से कि इतना सारा सब कुछ, मतलब तुम लोग तो देख ही रहे हो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लोथिंग के पीछे भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, उसके बावजूद घर पे आके रोज व्लॉग एडिट करना डालना, आपको 3-3 बजे सोना, अपना स्लीप शेड्यूल का पूरा बैंड बजाना जो ऑलरेडी मेरा बच चुका है, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कभी भी सो जाता, ये नहाने जाते बाहर आके मैं सोया पड़ा हूँ। बट अभी मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि अभी मैं शायद से 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का 1 महीने का मेरे को पता नहीं कितने भी महीने का मैं ब्रेक लूंगा, क्योंकि मेरे को अभी हम दोनों को भी अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का है क्लोथिंग के ऊपर, क्योंकि 6 नवंबर में अपना क्लोथिंग लॉन्च होने वाला है, वो सारा सब मैं जैसे जैसे ट्रैवल करूंगा कहीं बाहर जाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं ब्लॉग करता रहूंगा। हम दोनों को भी मिस मारने का, हम लोग दोनों भी तुमको सबको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। अभी भी हम लोग दोनों को काम करना चालू करने हैं, वापस से सारा लॉजिस्टिक बिठाना है। और अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो अपना चैनल ऐसा नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अपने चैनल पे 100 से ऊपर ब्लॉग्स है, बोलने को 100 है बट शायद से आई गेस पार्ट्स में पहले मैं करता था तो बहुत सारे ब्लॉग्स है, तो तुम लोग पहले के ब्लॉग्स जाके देख सकते हो, मजे कर सकते हो। बाकी तुम लोग सब लोग को पता है कि तुम लोगों को क्या करने है, तुम लोगों को मारने का लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि अपनी पार्टी बढ़ रही है और बढ़ने को मांगती है। अभी कोई भी अपना मतलब ऐसा फिक्स चीज नहीं है, तो बेल नोटिफिकेशन को हिट करके रखो, इंस्टाग्राम से अपडेटेड रहोगे हम दोनों के तो तुम लोग को पता रहेगा कि हम लोग कब क्या कहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं कि नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, पीस। ऐसा आदत सा लग गया था, दिल सैड होता है बट चलेगा, दोनों भी